कोन है, तो सॉलिड कोन है, जब मैं सॉलिड कोन को कट करूंगा, ये एंगल कुछ थीटा मान लेता हूं, ठीक है, कोन का, कोन के वर्टेक्स का। अब ओरिजिन जो है, आप ऊपर लो नीचे लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी तक जो ओरिजिन था वो मैं नीचे ले रहा था, तो ओरिजिन आप ऊपर भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं इसको एक ऊपर ही लेके सॉल्व कर देता हूँ। अगर मैं इसके ओरिजिन यहाँ ले लेता हूँ तो भी कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी तक लोग हम लोग क्या करते थे, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसको ओरिजिन नीचे से लिए थे, ओरिजिन ऊपर भी ले सकते हो, ठीक है, कहीं भी ले लो, इससे सेंटर ऑफ मास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऊपर से इतना आ जाएगा, बाद में उतना घटा देंगे, नीचे से आ जाएगा। तो अगर मैं ऊपर से यहाँ कट करूँ तो सॉलिड है ना भाई, तो सॉलिड है, तो यहाँ जब कट करोगे तो यहाँ पर कटिंग के बाद एक डिस्क मिलेगा, दिस इज द डिस्क, ठीक है, कटने के बाद एक डिस्क मिलेगा, और ऊपर से इस डिस्क, ये हमें डिस्क मिलेगा, यहाँ से मैं आ गया वाई डिस्टेंस नीचे आ गया, और इसकी थिकनेस डी वाई का एक डिस्क कंसीडर कर लिया, समझना, थिकनेस डी वाई का एक डिफरेंशियल डिस्क कंसीडर कर लिया है, इस कोन की वो हाइट एच है, ठीक है, और इसकी रेडियस की अगर जरूरत पड़ेगी तो कैपिटल आर ले लो, इसका मास कैपिटल एम, इसकी ज्योमेट्री है, ठीक है, आर एच मास, ठीक है। अब इस डिस्क को अगर मैं इधर बनाऊंगा तो कुछ ऐसे मुझे दिखेगा ये वाला डिस्क, जो डिस्क हम लोग कंसीडर किए, जिसका सेंटर ऑफ, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास सी है, जिसकी रेडियस आर है, जो हमें नहीं पता है बट हम निकाल लेंगे फ्यूचर में, ये इसकी रेडियस आर है, ठीक है। वॉल्यूम आ जाएगा डी वी, स्मॉल वॉल्यूम, इसकी एरिया, ठीक है, इसकी एरिया, तो इसकी जो एरिया आ जाएगी वो आ जाएगी पाई आर स्क्वायर, और इसकी थिकनेस डी वाई, इसकी थिकनेस, दिस इज द डी बी। अब इसमें कितना मास आया वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास इसमें आया मास पर यूनिट वॉल्यूम और मल्टीप्लाइड बाई ये छोटा वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम और मल्टीप्लाइड बाई छोटा वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, अब मास इस कोन का है और इस कोन का वॉल्यूम कैपिटल एम, तो इस कोन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, हाइट का थर्ड होता है बेस एरिया, बेस एरिया, ये वाली जो बेस एरिया होती है, और हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोन का वॉल्यूम आ जाता है, और छोटा वॉल्यूम, ये जो छोटू वॉल्यूम है, तो ये जो छोटू वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर डी वाई के इक्वल है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें इसको थोड़ा सा ढंग से हम लोग लिख लें, तो पाई ने पाई को, तो थ्री एच थ्री एम सॉरी थ्री एम, और ये कैपिटल आर स्क्वायर एच, और स्मॉल आर स्क्वायर डी वाई, और ये आ जाएगा डी एम। अब देखो यहाँ पर भी हमें इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ दो दो वेरिएबल है, एक आर है एक डी वाई है यार, ठीक है। देखो जब नीचे से ऊपर से यहाँ ओरिजिन लिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन लिया हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं ओरिजिन लिया हूँ तो मैं नीचे से ऊपर से नीचे आऊँगा तो एक वाई वेरिएबल मिलेगा, एक आर वेरिएबल मिलेगा यार, तो क्या कि वही ट्रायंगुलर वाला प्लेट वाला जैसे किए थे हम लोग उसमें, फिर मैं इन दोनों वेरिएबल को रिलेट करूँगा, क्योंकि ऐसा मैथमेटिक्स हम नहीं पढ़े हैं कि दोनों को वेरिएबल को एक साथ इंटीग्रेट कर दें, तो हमें दोनों को एक साथ रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो इन दोनों को एक साथ रिलेट करते हैं, और फिर रिलेट करने के बाद यहाँ मैं वैल्यू रखूँ। चलो तो यहाँ यहाँ जो ट्राइंगल बना है, इस टाइप का ट्राइंगल, वो इसमें ए आर है, और ये अपना डिस्क था जो ये आर था, और ये पूरा एच था, ठीक है, और ये वाई था, ये वाई था, और ये सारे, तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल यूज करोगे, ये जो बड़ी वाली हाइट है, वाली हाइट डिवाइडेड बाई छोटी हाइट, ठीक है, ये बड़ा वाला डिस्टेंस आर डिवाइडेड बाई छोटा डिस्टेंस ये, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल आर कैपिटल एच अप मल्टीप्लाइड बाई वाई। देखो स्मॉल आर वाई के टर्म में आ गया, अब इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थ्री कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर एच, और यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू कर रख दो, तो कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर और डी वाई, ठीक है, मैं डी एम निकालना यार, ठीक है, आर स्क्वायर को, ठीक है, तो ए थ्री एम और एच की पावर क्यू, थ्री एम एच की पावर क्यू और वाई स्क्वायर और डी वाई, है ना, दिस इज द डी एम, ठीक है, कितना मुश्किल है, थोड़ा सा डी एम
निकालना, बस डीएम अगर निकल गया तो बाकी इंटीग्रेट ही है। इस वॉल्यूम वाइज थे तो हमने डीएम निकाल लिया, 3mh की पावर क्यू वाई स्क्वायर dy। अब देखो जो डिस्क कंसीडर किए हो उसके, इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है उस सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट वाई ही है, तो डायरेक्ट फार्मूला रख दे, तो फार्मूले में रख के इसको हम लोग सॉल्व कर दें, ठीक है। तो फार्मूला क्या कहता है कि वाई सी एम इज इक्वल टू 1/M और इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, वाई इज इक्वल टू 0 टू वाई इज इक्वल टू कैपिटल y इज इक्वल टू डी एम टू y इज इक्वल टू कैपिटल h लिमिट, ठीक है। तो ये 1/M लिमिट समझ में आ रहा ना, तो कोण का, तो ये y को y ही रहेगा और dm उठा के इधर से लेके आओ, तो 3M और h की पावर q और दैट इज y स्क्वायर dy। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे 0 टू h, क्योंकि डिस्क जो है नीचे तक जाएगा, h तक जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करोगे सॉल्व करोगे तो m ने m को खत्म कर दिया यार, तो यह आ जाएगा 3h की पावर q, 3h की पावर q और ये y की पावर q इधर इंटीग्रेट हो गया, समझ रहे ना, ये इंटीग्रेट हो गया, y की पावर q बनेगा इंटीग्रेट हो गए h की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 4, तो h मतलब ये आ जाएगा 3h/4। दिस इज द वाई सी एम, ठीक है, वाई सी एम सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, इस कोन का, ये एक सॉलिड कोन है, तो इस सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है थोड़ा सा मिड पॉइंट से नीचे लाई करेगा, मिड पॉइंट से, क्योंकि मासेज इधर ज़्यादा आया, तो ये जो हाइट एस था जहाँ पर y इज इक्वल टू 0 था और फिर लिमिट समझ में आया ना, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू h, तो ये ऊपर से यहाँ सेंटर ऑफ मास 3h/4 पे लाई करेगा और नीचे से h/4 पे, ठीक है, बेस से h/4 पे और ऊपर से 3h/4 पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, है ना, क्लियर है, आगे